60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई दूसरी कार को पीछे छोड़ती हुई आगे निकलती है। प्रत्येक कार की लंबाई 5 मीटर है। आगे निकलने की प्रक्रिया में कितना समय लगा तथा सड़क की कितनी लंबाई का उपयोग हुआ, यह हम जानना चाहते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, देखो किस तरीके से किया जा सकता है ये क्वेश्चन। अगर आप रिलेटिव मोशन से करें तो एकदम मजा आ जाना है आपको, क्योंकि इतना आसान हो जाता है ये। देखते हैं, रिलेटिव मोशन से करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ध्यान रखते हुए सवाल को हम करेंगे। तो देखो, मान लो ये परिस्थिति है, ठीक है, ये कार आपकी जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये कार जो है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब ये कार जो है, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने कह दी ए कार है, ये बी कार है, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट। जब इसका फाइनल पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट को पार कर जाएगा तो हम कहेंगे कार को पीछे छोड़ दिया, यही तो होगा। और ऐसी परिस्थिति में कितनी दूरी चला भाई, हर एक कार की लंबाई जो है 5-5 है, तो 10 मीटर चला। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम देखेंगे कार ए के सापेक्ष, कार ए ये है कार, ठीक है, कार बी के सापेक्ष कार ए का क्या वेग होगा। तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, ये होगी वी ए माइनस वी बी, दैट इज 60 माइनस 42 एंड इट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि द ऑब्जर्वर, जो आपका ऑब्जर्वर है जो बी में बैठा है, वो देखेगा अरे ए वाली कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, जिसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ बच्चे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 18 5 बाई 18 एंड इट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी हो गई, डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर इन दोनों के बीच को पार करने के लिए। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आपका लगेगा, जो लगेगा वो हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका डिस्टेंस है 10 और रिलेटिव स्पीड है 5, 2 सेकेंड। इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम। अब पूछ रहा है कि सड़क की लंबाई का कितना प्रयोग हुआ, तो देखिए आपकी ए कार कितना चली है, ठीक है, ए कार का हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट प्लस कार की लंबाई, प्लस कार की लंबाई कैलकुलेट करेंगे, तभी उतना ही तो सड़क का भाई। ये जो पॉइंट है, मान लो फाइनल पॉइंट आपका कुछ एक्स दूरी चला, तो सड़क की लंबाई कितनी इस्तेमाल हो रही है, एक्स प्लस 5 होगी ना, 5 तो कार भी अपनी स्पेस ले रही है ना, तो हम वही दूरी विस्थापन देखेंगे, ये 60 किलोमीटर वाली कितनी चली है। तो देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ी, और 2 सेकंड में ये कितना चला, इतना प्लस आपके कार की लंबाई, ये कुल सड़क की लेंथ का यूज हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों, तो ये आ जाता है आपका 10 और नीचे आ गया 3, और ये हो गया आपका 100/3 प्लस 5, 115/3, और ये कितना हो गया, 3 3 9 और 2 और 8 3 24, 38.333 आएगा। वी कैन राइट इट 38 मीटर। तो हमारे पास दोनों आंसर हो गए, एक अच्छी प्रॉब्लम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो अभी हमने सॉल्व करी।